Find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है. आपको एक फंक्शन दिया है y is equal to sin x और इन द क्वेश्चन ही वॉज आस्किंग कि आप 0 और 2 पाई के बिटवीन फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करिए. तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज डिस्कस करता हूँ कि इन जनरल स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि ठीक है अगर आपको एरिया निकालना है तो आप sin x को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. ऐसा फीलिंग आता है. लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट 0, है ना. अगर आप sin x को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करते हैं तो इसका रिजल्ट 0 आता है. मतलब इससे एरिया नहीं आएगा, इससे केवल आपने फंक्शन को इंटीग्रेट किया है बिटवीन 0 टू 2 पाई. अब जनरली जो साइन स्कीम है उसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मान के चलिए ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, ये मेरे पास कोई भी एक कर्व है और ये दूसरा कर्व है. इन दोनों कर्व से बाउंडेड अगर आपको एरिया निकालना है, इन दोनों कर्व से बाउंडेड सपोज अगर आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है तो हम लोग करते क्या है, लेट ये फंक्शन है वाई इज इकल टू एफ वन एक्स और ये फंक्शन है वाई इज इकल टू एफ टू एक्स और लेट दिस लिमिट इज और एक्स इज इकल टू ए एंड दिस लिमिट इज और एक्स इज इकल टू बी. तो अगर आपको ये पोर्शन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए या इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा ए टू बी और एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स इंटू डी एक्स को. मीन्स अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन जब भी आप करेंगे और बिटवीन द लिमिट जैसे x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बिटवीन जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये बाउंडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा. अब एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए. जनरल साइन स्कीम ये है कि अगर आपके पास ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेट कोई भी कर्व है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो जब भी कर्व आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो इंटीग्रेट करके पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है और अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे है तो वो नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है. इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप साइन एक्स को 0 से 2 पाई तक केवल इंटीग्रेट करते हैं देन द रिजल्ट यू विल गेट 0. रीजन, ये पोर्शन जितना भी है उतना ये वाला पोर्शन जस्ट उसका नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस दैट विल बिकम 0. तो आई होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूं कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में. अब हम चलते हैं कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए. तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ में ध्यान दीजिए. देखिए ये फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है, आप इस फंक्शन को देख सकते हैं. द फंक्शन इज y इज इक्वल टू साइन एक्स और मुझे x इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज और x इज इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू इज और x इज इक्वल टू 2 पाई, यहां तक इस फंक्शन को का एरिया निकालना है. तो मेरे पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन ये है कि मैं आपको ये बोलूं कि आप 0 से पाई तक का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए. सपोज आप 0 से पाई तक का एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका डबल कर देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये पहला ऑप्शन है. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गिवन फंक्शन का मॉड लीजिए, है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. तो चलिए मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखा देता हूं कि अगर आपको गिवन फंक्शन का एरिया चाहिए, लेट यू नीड द एरिया ऑफ द गिवन फंक्शन, तो हम लोग इसके लिए क्या करें. मैंने जैसे आपसे कहा कि इफ यू नीड द एरिया तो ये होगा टू टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, टू टाइम्स ऑफ 0 टू पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स के, ठीक है. या तो आप ये कर सकते हैं. अब देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आएगा 2, साइन एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो डेट विल बिकम माइनस कॉस एक्स एंड द लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई, ये बन जाता है 2. इनफैक्ट आप माइनस 2 आप यहां पे कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा कॉस पाई एंड दिस इज कॉस 0, ठीक है. तो कॉस पाई की बात करें तो ये आपका माइनस 1 होता है और कॉस 0 की बात करें तो ये 1 के इक्वल होता है, मतलब दिस इज माइनस 2 इंटू माइनस 2 एंड द रिजल्ट इज 4 यूनिट. तो जैसा मैंने कहा कि पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपको 0 से 2 पाई तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, लेट दैट इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन का ग्राफ है, आपको क्या करना है, ये एरिया निकाल के जस्ट इसका डबल कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है. या फिर एक और ऑप्शन है कि आप ये अगर डबल नहीं करना चाह रहे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि फिर आपको इंटीग्रेट करना होगा 0 से 2 पाई तक, पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करिए बिटवीन 0 टू 2 पाई, बट जस्ट टेक द मॉड हेयर, आपको गिवन फंक्शन का
मॉड ले लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जैसे आप साइन एक्स का मॉड लेंगे तो जीरो से पाई में तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, लेकिन पाई और टू पाई के बिटवीन क्योंकि ये नेगेटिव था, लेकिन मॉड लेने से क्या होगा ये ब्रांच फ्लिप करके ऊपर आ जाएगी, तो ये टू यूनिट है, ये भी टू यूनिट है, तो एड करके आपको रिजल्ट फोर यूनिट मिल जाएगा। बाकी का मैं इंटीग्रेट करके भी आपको दिखा रहा हूं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, a इज इक्वल टू, हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं जीरो टू पाई, जीरो टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx प्लस पाई टू टू पाई, पाई टू 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 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx के, फाइन। अब देखिए जीरो और पाई के बिटवीन, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जीरो और पाई के बिटवीन जो फंक्शन है वो ऑलरेडी x एक्सिस के ऊपर है, तो आप चाहे इसका मॉड लें या फिर ना लें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं जीरो टू पाई, जीरो टू पाई साइन एक्स एंड डीएक्स के। लेकिन पाई और टू पाई के बिटवीन, पाई और टू पाई के बिटवीन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था द फंक्शन इज नेगेटिव, ये लोकेशन है एक्स इज इक्वल टू पाई और ये लोकेशन है आपकी एक्स इज इक्वल टू टू पाई। अब क्योंकि ब्रांच आपकी यहाँ पे नेगेटिव है और आपने बाहर एक फंक्शन का मॉड लिया हुआ है, तो मॉड कैसे ओपन होगा, इसका मॉड आप ओपन करेंगे माइनस ऑफ, मतलब साइन एक्स को बाहर लेके माइनस ऑफ साइन एक्स लिखना पड़ेगा, तब जाके ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी। एज आई नो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यह चीजें आपको पता होंगी कि मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो के। तो ठीक है, हम लोग इसे लिख सकते हैं पाई से टू पाई, अब क्योंकि साइन एक्स यहाँ पे नेगेटिव होता है पाई और टू पाई के बिटवीन, और अगर आपको मॉड हटाना है तो बाहर एक माइनस को इम्पोज करना पड़ेगा एंड दैट इज साइन एक्स इनटू डीएक्स के। नाउ नथिंग रिमेनिंग, बस अब गिवन फंक्शन को हमें केवल इंटीग्रेट करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉस एक्स, और यहाँ पे लिमिट हमारे पास है जीरो टू पाई माइनस, यहाँ भी इंटीग्रल तो माइनस कॉस एक्स ही बनेगा और लिमिट अब है पाई से लेके टू पाई तक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, दिस विल बिकम कॉस पाई माइनस कॉस जीरो यहाँ पे, फिर ये माइनस को आप बाहर कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस टू पाई माइनस कॉस ऑफ पाई के। अब चलिए आगे मूव करते हैं, देखिए फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये तो माइनस आपको बाहर नजर आ ही रहा है, कॉस पाई की बात करें ये माइनस वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो ये माइनस वन बन जाएगा, प्लस कॉस टू पाई इट इज योर वन, दिस इज योर वन, और कॉस पाई की बात करें तो माइनस वन होता है, तो इसको हमने माइनस वन यूज कर लिया। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म आपका टू एंड द नेक्स्ट टर्म इज ऑल्सो टू एंड द रिजल्ट इज फोर यूनिट एंड दैट इज द एरिया ऑफ द गिविन फंक्शन। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, आप डायरेक्टली भी अगर आप चाहें, लेकिन डायरेक्ट अगर बोर्ड में तो काम नहीं करेगा, जेई वगैरह में आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं कि जो हाफ लीफ है, ये जो हाफ लीफ है इसका एरिया हमेशा टू यूनिट होता है, इसका एरिया हमेशा टू यूनिट होता है, आप चाहें तो इसे याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, देखिए अगर आप केवल इंटीग्रेट करते तो जैसे मैंने कहा कि ये टू है तो ये माइनस टू हो जाता, ये अगर टू है तो ये आपका माइनस टू हो जाता और फिर रिजल्ट जीरो बनता, पर क्योंकि आपको एरिया निकालना है तो दो ऑप्शन है, जीरो से पाई तक को का एरिया निकाल के या तो डबल कर दीजिए या फिर फंक्शन का मॉड ले लीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट।